सो फ्रेंड, अगर आपने भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट देखनी है कि उस लिस्ट में किसका किसका नाम है और आपको किसके किसको उसके थ्रू पैसा मिलने वाला है, मतलब बेनिफिट मिलने वाला है जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, और यहाँ पे आप अपना नाम भी चेक कर सकते हो, इसके साथ ही कितने लोगों को ये बेनिफिट्स मिला है आपके गांव में, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आप सभी स्टेट का चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं एलमानेटिक चैनल। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप या फिर फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी स्किप या फिर फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट्स में कहेंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है या फिर हम कैसे अब क्या करें, आगे कैसे बढ़े। तो इसके लिए आपको एक ही राय है, आप पूरा वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाने के बाद आपने उस लिंक पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक कर लेंगे ना, तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो लिस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे आप सभी स्टेट का चेक कर सकते हो, या आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑल स्टेट पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके स्टेट का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट देखने को आपको मिल रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है। अगर आप मान लीजिए आप जिस भी स्टेट से हो, वहाँ पे वो आप अपनी डिटेल खुद से सेलेक्ट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये देखिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना स्टेट तो सेलेक्ट कर लिया, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें जो मैं फिल कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप अपना फिल कीजिएगा। जैसे कि ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक आपका डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद अगर आप ब्लॉक वाइज आते हो, तो आपका जो भी ब्लॉक होगा वहाँ पे आपने अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना। आप जैसे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया आएगा, उसमें आपके गांव का नाम भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रैंडमली किसी एक गाँव का नाम ले लेता हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे गाँव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप बहुत बारीकी से देखिएगा आपके गाँव का नाम कहाँ जा रहा है। इसी तरीके से आप अपने गांव पे जाके सिंपली आपने डन कर देना है। आप जैसे ही डन कर देंगे ना, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये लास्ट का एक कैप्चा आ रहा है, यहाँ पे आपने कैप्चा को फिल कर देना है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है 31+30 मतलब कितना होता है, तो यहाँ पे आप जोड़ के जो भी होता है यहाँ पर आपने फिल कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने 61 फिल कर दिया। ये कैप्चा आपका अलग होगा, यहाँ पे जो मैं फिल कर रहा हूँ तो ये कैप्चा अलग है। उसके बाद ये सब सारी डिटेल आप अच्छे से फिल कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करना, आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही सबमिट पे कर देंगे क्लिक, तो ये आपको ऑफिशियल वेब पेज पे लेके जाएगा। आप यहाँ पे पेज को थोड़ा सा ऊपर करके आएंगे ना, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम और आपको ब्लॉक नेम, आपका पंचायत नेम, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर और बेनिफिशियरी नेम, यहाँ पर आप बेनिफिशियरी का सारा नाम डिटेल वगैरह आप खुद से पढ़ना चाहो तो आप यहां से खुद से पढ़ सकते हो, और उनके फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी वाइज और प्रायोरिटी, आप यहां पे ये सब सारी चीज़ें देख सकते हो। अब मान लीजिए बाय चांस अगर ये सब चीज़ें आपने देख लिया, इसको आप प्रिंट आउट कराना चाहते हो या फिर पीडीएफ में अपने मोबाइल पे रखना चाहते हो, तो सिंपली आपने डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपने डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पीडीएफ में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो जो कि यहाँ पे आपको देखने में आपको काफ़ी इजी होगा। अगर आप इसको अपने मेल पे रखना चाहो, व्हाट्सएप पे किसी को भेजना चाहो, तो आप इसे भेज सकते हो। इवन अगर आप इसे प्रिंट आउट कराना चाहो तो आप इसे प्रिंट आउट भी करा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट आप अपने मोबाइल में कैसे देख सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने सभी स्टेट्स का इस लिस्ट के थ्रू देख सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।